ये देखो कुछ ऐसा है ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे पर गाइस, ये द्वारका पर द्वारका एक्सप्रेस। ये गाइस आपको बता दूं, ये है सेक्टर 88 गुड़गांव, सेक्टर 88B। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे है, ये चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं आपको तस्वीरें। क्यों जो इसका वो बनाया गया था लोहे का ब्रिज, वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि वो बन के कम्प्लीट हो गया है या नहीं हुआ हो पाया है, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाई। ये ग्राउंड लेवल पे ही चल रहा है, तो यहाँ से ये हो जाता है अब एलिवेटेड। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से कि किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये भरे जा रहे हैं पिलर, ये आपको बता दूं ये अंडरग्राउंड है नीचे, अब वो है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देख सकते हैं क्योंकि जो स्टैंड करने का काम चल रहा था वो इस ब्रिज का है, देख सकते हैं वो रहा आगे, और आपको दिखाते हैं ये चलकर कि कितना ये एक्सप्रेसवे पे वर्क हो चुका है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि इसमें 50% काम हो गया, 50% अभी बाकी है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ तेजी के साथ में चल रहा है और दोनों साइड में ही चल रहा है गाइस, देख सकते हैं दोनों साइड में ही ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस। हम चलेंगे यहाँ से बिल्कुल सीधे, ये देख सकते हैं क्योंकि इसी को स्टैंड करने का काम चल रहा था जो ये सामने ब्रिज चमक रहा है आप लोगों को, और अभी उसके पास चल रहे हैं। और देखिए ये पैराफिट बॉल लगाने का काम ये चल रहा है आपकी साइड में, तो यहाँ पर हो चुका है, और बीच बीच में देखिए ये ब्लैक टॉप का काम भी हो चुका है। ये देख सकते हैं, वाह भाई वाह क्या नज़ारे हैं, देखो द्वारका एक्सप्रेसवे। और यहां से हम हो जाएंगे राइट, और अब चलेंगे सीधे। और आपको बता दूं कि गाइस यहां पर बनाया जा रहा है इंटरचेंज खिड़की दौला गुरुग्राम का इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो जो स्टील का वो बनाया गया है ब्रिज, वो देखो किस तरीके से बनाया गया है, कौन सा ब्रिज है, तो आप लोगों को अब दिखा देते हैं, अब दिखाते हैं दोनों साइड में करके। अब वो टाइम आ गया है दिखाने का गाइस, तो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते भी हैं। चलो तो दोस्तों कुछ ऐसा ये ब्रिज बनाया जा रहा है, देख सकते हैं, और ये स्टील का ही बना हुआ है, देखो कितना लंबा चौड़ा ये ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके ऊपर ही स्टैंड किया जा रहा है। और देख सकते हैं इस पर ये पैराफिट वॉल अभी नहीं लगे हैं, और इस पर आपको बता दूं कि ये जोड़ने के ये जो कर्व हैं साइड के ये जोड़े जा रहे हैं, लॉन्चर वो लगा हुआ है, और जोड़ने के बाद में फिर इस पर ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। तो सॉरी
देख सकते हैं ये कंक्रीट की मदद से ये जोड़ा जाएगा और इसको बोलते हैं हम, देखो ये है लॉन्चर, इस तरीके से ये लॉन्चर जोड़ता है ना। फिर मैं दिखाता हूँ आपको उधर से, और नज़ारे देख सकते हो, ये हम गुरुग्राम के अंदर हैं, खिड़की दौला आगे ही पड़ेगा और वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। ये देखो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ ये सीन है यहाँ का। तो मैं उधर से दिखाता हूँ आपको, फिर पता चलेगा कि किस तरीके से ये स्टैंड किया जा रहा है। देखो चढ़ने उतरने के लिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है गाइस। तो अब यहाँ से हम चलेंगे खिड़की दौला, खिड़की दौला इंटरचेंज दिखाएंगे आपको, और देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा है ये क्रेन मशीन, देख सकते हो कितनी भारी भरकम है। ये देखो कुछ ऐसा है ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे पर गाइस, ये द्वारका पर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। और देखिए जो यहाँ कंपनी वर्क कर रही है वो है एल एन टी द्वारा ये ब्रिज बनाया जा रहा है, स्टैंड किया जा रहा है गाइस। तो कंप्लीट इसका थोड़ा सा मतलब कंप्लीट ही है वो, थोड़ा सा वो वहाँ पर बचा हुआ है, वो वाला बीच वाला हिस्सा बचा हुआ है, बाकी तो ये कंप्लीट कर लिया गया। देख सकते हैं क्रेन मशीन कितनी लंबी चौड़ी है, और ये इस तरीके से यह बनाया जा रहा है इंटरचेंज, ये देख सकते हैं ये स्टैंड कर दिया गया। और अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है, इस पर जो कर दिए साइड के जोड़े जा रहे हैं, ये भी काफ़ी भारी भरकम है भाई, बहुत टाइम लगता है इन्हें जोड़ने में। तो बस यही नज़ारे हैं यहाँ के, और आप चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे की तस्वीरें, आगे कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। ये देख सकते हैं ये इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है चढ़ने उतरने के लिए, ये देख सकते हैं ये चारों तरफ घूम रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है, और ये है गोल चक्कर यहाँ का, ये देख सकते हैं। अब मैं पूरा ही आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का कि क्या क्या है। ये देखो स्टैंड किया जा रहा है यहाँ से, ये खिड़की दौला के लिए चला जाता है इधर, ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये कुछ इस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, देखो काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरचेंज है यहाँ का, ये देख सकते हैं पूरा आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहीं से यह है पूरा इंटरचेंज गाइस, देख सकते हैं तस्वीरें, देखो ये गुरुग्राम के लिए पता नहीं किधर से जाएंगे। ये देखो मैं पूरा ही आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, और यहाँ पर इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है, पूरा इंटरचेंज ये बनके कंप्लीट हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे खिड़की दौला, ये खिड़की दौला के लिए दिखा रहा है, तो हम चलेंगे इधर ही, ये तो मानेश्वर के लिए जा रहा है और ये जा रहा है खिड़की दौला, तो हम चलेंगे खिड़की दौला के लिए। और देख सकते हैं आप लोग लॉन्चर कितने लंबे लंबे लॉन्चर हैं यहाँ पे, भारी भरकम। अब चलते हैं आगे, देखते हैं चल के कि यहाँ से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये बंद है गाइस, ये बंद सा ही लग रहा है, वो उन्होंने गाड़ी घुमा दी। तो ये है उधर से पल्ली साइड से, वहाँ से चलेंगे हम ऐसे घूम के आएंगे। ये अंडरपास भी है, देखो सीधे जाने के लिए अंडरपास है, और उधर से आएंगे तो अंडरपास है, देख सकते हैं ये सीधे जाने के लिए अंडरपास है गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, नज़ारे यहाँ के
कि काफ़ी मन्नतों के बाद में ये ब्लॉग आप लोगों को, ये वीडियो आप लोगों को देखने में देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर कहीं। हम चलेंगे यहाँ से, ये वाला है, हम उधर गलत चले गए थे। तो यहाँ से हम निकलेंगे, जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है NH 44 पर चलेंगे हम, और देख सकते हैं बिल्डिंग्स कितनी ऊंची ऊंची हैं। और ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ऐसे चला जाएगा तो आगे का भी आपको इंटरचेंज देखने के लिए मिलेगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तेजी के साथ होगा ही। देखो कुछ ऐसे क्रब हैं ये जुड़ जाते हैं, जो NH 8। अच्छा ला के रख दिए गए अभी तक। और आपको बता दें कि रोड तो ये बना दी गई, रोड भी देख सकते हैं अभी, जो इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो लगा दिए गए हैं, इन पर लाइटें नहीं लगाई गई हैं। और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पर किस तरीके से ये है भाई साहब। ला, देखो ये एक्सप्रेसवे का ही है गाइस, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग, ये है नज़ारे यहाँ के। और ये आ चुका है, देख सकते हैं खिड़की दौला यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मानेश्वर के लिए सीधा। और यहाँ से हम चलेंगे आज, देख सकते हैं ये हैं अभी खिड़की दौला में मैं खड़ा हुआ हूँ, खिड़की दौला। और यहाँ से इधर हम जाएंगे तो ये चढ़े जाएंगे गुड़गांव के लिए, इधर दिल्ली गुड़गांव के लिए इधर होते हुए। और आपको बता दूं कि ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, और यहाँ से ये बिल्कुल सीधे जाएंगे तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में मिल जाएंगे, यानी कि मानेश्वर के लिए ये चला जाता है बिल्कुल सीधा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूँ ये है NH 8, ये देखिए। और आपको बता दूं अगर इधर हम जाते हैं उधर जाते हैं तो हम जयपुर के लिए चले जाएंगे, और ये जयपुर की साइड से ही ये आ रहे हैं। तो आपको बता दूं पहले ये बीच से निकल रहा था, और अब इन्होंने यहाँ पर बीच में ये लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं ये स्टैंड किए जा रहे हैं आपको, जो इसके वो हैं
इसके जो गाटर हैं देखिए, वो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है बीच में, बीच में गाटर लॉन्चिंग करी की जा रही है। तो इसी वजह से इन्होंने साइड में से ये ट्रैफिक को खोल दिया गया, और साइड के ये हैं जो पहले ही इन्होंने कर दिया। तो और आपको बता दो, ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए चढ़ जाएगा जब हम जयपुर की साइड से आएंगे। इधर से भी जा सकते हैं, सॉरी, ये जयपुर से आएंगे तो हम जा सकते हैं ऐसा करके, इस तरीके से यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर के लिए, और यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए चले जाएंगे उधर से। और आपको जब हम उधर से आएंगे तो वो चला जाता है उधर के लिए गए। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये है। तो चलो पास से ही आप लोगों को दिखाते हैं एक बार। ये जयपुर की साइड से वाहन आ रहे हैं गाइस, ये जयपुर की साइड से वाहन आ रहे हैं। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोनों साइड में। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, क्या खूबसूरत तस्वीर है यहाँ की। ये दोपहरी का टाइम है पर अभी ज़्यादा चमक नहीं रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ जिधर आप नज़र उठा कर देखेंगे उधर ही आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा, क्योंकि जब हम ये जयपुर की साइड से आएंगे और इस तरीके से ऐसे हम चढ़ जाएंगे इस पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, जो चला जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा गाइस। तो यहाँ पर अभी स्टैंड करने का काम चल रहा है, जो कि इसके गाटर हैं, अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। और इधर तो देखो कंप्लीट तक कर लिया गया है, तो अभी इसमें मतलब सन 2023 के लास्ट तक ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा और चलने भी लग जाएगा। और आपको बता दें यहाँ L&T द्वारा वर्क चल रहा है, L&T यहाँ पर काम कर रही है गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये है नज़ारे यहाँ के। काफ़ी वक्त लगेगा यहाँ पर इसको बनने में गाइस, देख सकते हैं तस्वीरें है।